राम रहीम की मुंह बोली बेटी, हनीप्रीत ने पुलिस रिमांड के 8वें दिन पंचकुला उपद्रव का राज खोला है। हनीप्रीत ने पुलिस पूछताछ में पंचकुला तांडव का षड्यंत्र रचने का दोष कबूल लिया है। हनीप्रीत ने हिंसा के लिए दी गई राशि के बारे में भी स्वीकारा कि यह काला धन थी। पुलिस ने हनीप्रीत से लैपटॉप व मोबाइल बरामद कर लिया है। लैपटॉप में पंचकुला में हिंसा रचने का प्लान था। इसके अलावा दंगा भड़काने के आरोप में पुलिस ने बाबा के कई चेलों को पकड़ा है। पूछताछ के लिए पुलिस आज हनीप्रीत को बठिंडा ले गई। पुलिस ने बठिंडा के गांव जंगीरापा में पहुंचकर हनीप्रीत से पूछताछ की। यह गांव बाबा के चेले इकबाल के रिश्तेदार गुरमीत का है। आज न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट।